नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार सरकार की सेवा से रिटायर पेंशनरों को बड़ी राहत, जीवन प्रमाण पत्र के लिए अब बदल गए नियम। बिहार सरकार की सेवा से रिटायर होने वाले कर्मियों को अब दो श्रेणी में जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। एक कैटेगरी में 80 साल उम्र से अधिक पेंशनर रखे गए हैं, तो दूसरी कैटेगरी में 80 साल उम्र से कम के पेंशनर। अब 80 साल उम्र के अधिक पेंशनर को 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार की सेवा से रिटायर वैसे कर्मी जिनकी उम्र 80 वर्ष या इससे अधिक हो, उन्हें 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। पहले सभी उम्र के पेंशनरों को 1 नवंबर से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था। केंद्र सरकार के 80 वर्ष या उससे अधिक के सरकारी सेवानिवृत्ति कर्मियों को इस साल अक्टूबर में ही जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ा था, लेकिन केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आदेश के बाद अब राज्य में भी बदलाव किया जा रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब महंगी होगी पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने कई सेवाओं के शुल्क बढ़ाए। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा महंगी हो गई है। नीतीश सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली कई सेवाओं का शुल्क बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से गरीब बच्चों को बड़ा झटका लगा है जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने बिजली बिल से लेकर आईडी कार्ड बनवाने तक के शुल्क को सीधे दोगुना कर दिया है। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को यह आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले के तहत अब इसे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है, जबकि इसके पहले प्रवेश शुल्क के रूप में महज 15 से 20 रुपये देने पड़ रहे थे। विकास शुल्क के नाम पर माध्यमिक विद्यालयों में तो फीस वृद्धि नहीं की गई है और 80 रुपये विकास शुल्क देने होंगे, जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विकास शुल्क में वृद्धि कर 160 रुपये से 200 रुपये कर दिए गए हैं। वहीं माध्यमिक स्कूलों में पुनः प्रवेश शुल्क और पलायन शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। पटना में 10 दिन बाद घटी संक्रमण की रफ्तार, राहत का संकेत, बच्चों को बचाना जरूरी। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान पटना में सबसे ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी के लोगों के लिए एक राहत की खबर है। पिछले 10 दिनों के अंदर पटना में संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। 10 जनवरी को पटना में जहां 2,566 संक्रमित मिले थे, वहीं 20 जनवरी को यह आंकड़ा घटकर 745 जा पहुंचा है। अब पॉजिटिविटी रेट घटकर 10.81% पर आ गई है। हालांकि राहत वाली इस खबर के बीच 24 घंटे के दौरान कोरोना से मरने वालों की संख्या में उछाल और भर्ती होने वालों की उम्र परेशान कर रही है। गुरुवार को पटना एम्स में 4 और पीएमसीएच में 4 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें पटना की रहने वाली 3 महिलाएं हैं। यह परेशान करने वाली बात तो है ही। वहीं तीसरी लहर में पहली बार पटना में एक दिन में 8 मरीजों की मौत से डॉक्टर भी परेशान हैं। इससे पहले इस लहर में एक दिन में अधिकतम 7 मरीजों की मौत हुई थी। ये है बिहार का हेल्थ सिस्टम। पत्नी की मौत के बाद भी नहीं मिल पाया एम्बुलेंस, कंधे पर शव लेकर गया पति, तमाशाबिन बने रहे लोग। बिहार का स्वास्थ्य विभाग भले ही अच्छे हेल्थ सिस्टम की कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन यहाँ की लचर व्यवस्था सामने आ ही जाती है। कुछ ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिससे बिहार हेल्थ सिस्टम की पोल खुल जाती है। ताजा मामला बिहार के वैशाली जिला स्थित सदर अस्पताल का है। सदर अस्पताल का जो वीडियो सामने आ रहा है उसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। गुरुवार को सदर अस्पताल में एक शख्स अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए पहुंचा था। डॉक्टरों ने महिला को देखकर मृत घोषित कर दिया। ऐसे में शख्स मृत पत्नी को लेकर जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस का इंतजार करने लगा। हालांकि काफी देर बाद भी जब अस्पताल प्रबंधन की ओर से उसे शव को लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दिया गया, तो शख्स पत्नी को शव को कंधे पर लादकर अपने घर की ओर चल पड़ा। इस दौरान अस्पताल के सारे कर्मी तमाशाबिन बनकर देखते रहे, लेकिन किसी शख्स ने शख्स की मदद नहीं की। वहीं इस दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में शख्स पत्नी के शव को कंधे पर लादकर अस्पताल से जाता दिख रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वीडियो में दिख रहा शख्स बिदुरपुर के रामधौली का रहने वाला कृष्ण कुमार है, जो अपनी पत्नी को इलाज के लिए सदर अस्पताल को लेकर पहुंचा था।
बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, अगले 4 दिनों तक 11 जिलों में बारिश और ओला गिरने की चेतावनी। बिहार में ठंड का कहर जारी है, बिहार वासियों को कोल्ड डे और कनकनी से फिलहाल निजात नहीं मिलने वाली है। पटना में गुरुवार की शाम को हल्की बूंदाबूंदी हुई, कनकनी के बाद अब बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है, अगले 4 दिनों तक कई जिलों में बारिश, मेघ गर्जन और ओलावृष्टि की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार, रविवार और सोमवार को कई जिलों में बारिश और ओला गिरने की संभावना है। मध्य प्रदेश की ओर चक्रवातीय स्थिति बनने और उसके 1-2 दिनों में बिहार की ओर बढ़ने से बारिश की स्थिति बनेगी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार के 11 जिलों में आंशिक बारिश का अलर्ट जारी किया था। इन जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, आरा, अरवल, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद में हल्की बारिश होने की संभावना जताई थी। बिहार में 52 लाख किशोरों का टीकाकरण बना चुनौती, राष्ट्रीय औसत 52% के बराबर भी नहीं हुआ है वैक्सीनेशन। राज्य में 26 जनवरी के पहले 83 लाख किशोर किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक राज्य में करीब 31 लाख किशोर व किशोरियों का वैक्सीनेशन किया गया है। लक्ष्य पूरा करने में समय सिर्फ 7 दिन का रह गया है, जबकि लक्ष्य के मुताबिक अभी करीब 52 लाख को टीकाकरण किया जाना है। बिहार में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के टीकाकरण का औसत अभी 37% है, जबकि इनका राष्ट्रीय औसत 52% हो चुका। देश के कुछ राज्यों में जिसमें आंध्र प्रदेश ने 91%, हिमाचल प्रदेश ने 83% और मध्य प्रदेश ने 71% किशोर किशोरियों को टीकाकरण कर दिया है। बिहार में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं होम टेस्टिंग किट, जांच रिपोर्ट को लेकर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा बयान। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े तो कोविड टेस्ट में भी सरकार ने रफ्तार तेज कर दी। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बिहार में लोग होम टेस्टिंग किट का भी इस्तेमाल काफी अधिक कर रहे हैं। इस किट को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस किट से जांच के बाद रिपोर्ट की कानूनी वैधता को लेकर सरकार का पक्ष रखा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना जांच के लिए तैयार किए गए होम टेस्टिंग किट को ICMR ने अप्रूव किया है। इससे कोई भी व्यक्ति अपनी जांच कर सकता है। बिहार में शीतलहर का अलर्ट, 24 जनवरी के बाद मिलेगी राहत, वायरल मैसेज पर ध्यान न दें। जनवरी महीने की सर्दी बिहार के लोगों को अभी और सताने वाली है। बर्फीली हवाओं के कारण बिहार शीतलहर की चपेट में है और मौसम विभाग में 24 जनवरी के बाद ही इसमें राहत मिलने की उम्मीद जताई है। पटना समेत राज्य के 10 जिलों में पारा सामान्य से काफी नीचे जा चुका है और इसी कारण यहां कोल्ड डे कंडीशन बना हुआ है। ठंड की वजह से प्रदेश में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बुधवार को भी प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रहे और कई जिलों में सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए। बिहार के मिडिल स्कूल भवन में फर्जी बीएड संस्थान चलाए जाने का मामला, राज्य सरकार को 48 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने पूर्वी चंपारण के ढाका अंतर्गत तेलहारा खुर्द गांव के एक मिडिल स्कूल भवन में एक फर्जी बीएड संस्थान चलाने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 48 घंटे में कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। विद्या देवी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंबेडकर विश्वविद्यालय से जवाब तलब करते हुए बताने को कहा है कि ऐसे मामले में इस बीएड कॉलेज को कैसे मान्यता दे दी गई। इस मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एडवोकेट इति सुमन को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करते हुए स्थल का निरीक्षण कर कोर्ट को वास्तु स्थिति की जानकारी देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद एडवोकेट इति सुमन ने कोर्ट को रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उक्त गांव में कोई इंजीनियर उपेंद्र शर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का कोई भवन नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस नाम के किसी संस्था के होने के बारे में अनभिज्ञता जताई है। इस गांव में केवल एक मिडिल स्कूल ही चलता है। बिहार में शिक्षकों को तबादले के लिए करना होगा इंतजार, शिक्षा मंत्री बोले पहले यह काम फिर ट्रांसफर। बिहार में लंबे अरसे से तबादले का इंतजार करने वाले शिक्षकों को अभी और लंबा इंतजार करना होगा। दरअसल 2 साल पहले सरकार ने यह फैसला लिया था कि जो शिक्षक नियोजन के बाद अपना तबादला चाहते हैं उन्हें इसकी सुविधा दी जाएगी, लेकिन अब तक सरकार इस फैसले पर कदम आगे नहीं बढ़ा पाई है और अब बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने तबादलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी
मंत्री ने कहा कि विभाग की प्राथमिकता अभी शिक्षक बहाली प्रक्रिया को पूरा करना है। हम शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं। नियोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से तबादले की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक प्रारंभिक और हाई स्कूलों में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तबादले के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने 2021 जून में शिक्षकों का तबादला का लक्ष्य रखा था। शिक्षकों के तबादला संबंधी नीति शिक्षा विभाग ने 2020 में बना ली थी। शिक्षकों के तबादले के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। सॉफ्टवेयर का फाइनल ट्रायल होना बाकी है। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।